हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक की अगर बात की जाए, इस टीम ने ना अलग ही लेवल का प्रदर्शन दिखाया है। राउंड वन हो, राउंड टू हो, राउंड थ्री हो, हाँ सेमीफाइनल्स की शुरुआत इतनी कुछ खास नहीं करी, बट कल उन्होंने कमबैक की शुरुआत तो करी है। बस उस कमबैक के मोमेंटम को आगे लेके जाना है आज के दिन में। जी और अभी भी उनके पास पॉइंट्स अच्छे खासे 41 अंकों के साथ वो टीम है। शायद आज का गोल रहेगा कि चार मैचेस में वो जो 60 का आंकड़ा है या फिर 65 का जो आंकड़ा है उसे क्रॉस किया जाए, ताकि कल के दिन पे उतनी मुश्किलें उनके लिए ना हो। 65 पर भी मैं डिसेंट मान के चलता हूँ। शयान कारेल के साथ उन्होंने 3x का इस्तेमाल किया और चलती गाड़ी से उस सामने वाले खिलाड़ी को उन्होंने गिरा दिया। और अब फीनिक्स के खिलाड़ियों को आप देखें कि वो रश करने के लिए पूरी तरीके से तैयार। सारे खिलाड़ी गाड़ियों के अंदर, हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक, क्या समय मिलेगा रिवाइवल का, वो भी एक सवाल। चलिए समय तो मिल गया, प्लेयर आगे लंबी दूरी पे वहां पे नॉक किया था, लेकिन फीनिक्स की अप्रोच देखिए कितनी तेजी से वो आगे गए हैं। हील करने का पूरा मौका शायद ना मिले उस प्लेयर को, रिवाइवल भी अभी तक पूरा खत्म हुआ नहीं। शायान कितनी करीब वो आ चुके हैं और गाड़ी लेके वापस पीछे जा रहे हैं। क्या उन्हें अंदाजा नहीं कि वो प्लेयर कहाँ है? क्या एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में पता नहीं? बिकॉज अलग अलग प्लान का गल से सारे प्लेयर्स आते हुए, और खोकू हो सकता है कि यहाँ से वो देख पाए। जिया जॉनसन को उन्होंने देख लिया, पर थोड़ा सा ज्यादा लालची हो गए। अगर नॉक करने के बाद अपने आप को कवर में लेकर आते और उसके बाद वो शॉट देने की कोशिश करते तो शायद एक मौका बन सकता था जहां पर वो सिंध को डाउन कर पाते, पर जॉनथन रिवाइव आसानी से कर दिए गए। पर फीनिक्स का वो खिलाड़ी जो डाउन है उसको रिवाइव कर पाना यहां से बड़ा मुश्किल होगा। सिंप उस ग्रेनेड के साथ है तो सही, और मुंह पर सीधा उन्होंने ग्रेनेड डाला, पर जॉनथन वो पीछे मौजूद है, उन्होंने हनी को नॉक किया, उनका एलिमिनेशन हुआ। एक मोलोटोव आई जरूर है, पर सिंप वो मोलोटोव उनके करीब थी तो नहीं, पर फीनिक्स उनके दो खिलाड़ी कंपाउंड के अंदर फंस चुके हैं। ये रश करने के चक्कर में खत्म हो रही है फीनिक्स के एक एक प्लेयर। लास्ट प्लेयर अभी के लिए बचा है और वो फंस चुके हैं। जो एडवांटेज उनके पास होना चाहिए था वो हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के पास गया, और देखिए कितनी आसानी से एक दूसरे को कवर दिया, एक दूसरे को रिवाइव किया और जीत के गई है हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक इस फाइट को। पर अभी तक ये जंग समाप्त हुई नहीं है, इनके आसपास और भी टीम है, आपको विंड गॉड वो भी दिखाई देंगे। अब देखना ये कि विंड गॉड वो किस तरीके से इस फाइट को अंजाम तक लेकर जा सकते हैं, क्योंकि अंकों की जरूरत तो खैर उनको भी पड़ने वाली है। और मैं फिनिश फीट देख रहा था कि कार्पेडियम के कुछ खिलाड़ी वहां पर